आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 12। अध्याय 12 में विकलांग व्यक्तियों की पुनर्वास एवं कल्याण की सरकारी व गैर सरकारी प्रयास। अध्याय 12 का हेडिंग है विकलांग व्यक्तियों की पुनर्वास एवं कल्याण के सरकारी व गैर सरकारी प्रयास, यानी क्या क्या सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किए गए हैं इसके बारे आज पढ़ा रहे हैं, है ना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अब तक भारतवर्ष में विकलांग दिव्यांगों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए सरकार व गैर सरकारी स्तर पर अनेक कार्य किए गए हैं। आप भी जानते हैं सरकार ने अनेक कार्य किए हैं जो सराहनीय है और अब भी किए जा रहे हैं और अभी भी किए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, समझने की बात है। इनका संक्षिप्त विवरण हम निम्न प्रकार दे सकते हैं, जो इस प्रकार है। विकलांग अधिनियम 1995 में बना है। विकलांग अधिनियम कब बना है? 1995 यानी 1995 में बना है। विकलांग सम्मान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 व्यापक कानून को मुक्त रूप प्रदान किया गया है। इसको कानून का रूप दिया गया 1995 में, व्यापक रूप दिया गया इसको, और फरवरी 1996 में इसे लागू किया गया। 95 में कानून बना 1995 में, और 1996 में इसको पारित किया गया, लागू किया गया, समझ रहे बात को, लागू किया गया देश में। यह कानून शिक्षा, एडुकेशन, रोजगार और व्यवसायिक प्रशिक्षण, काम के अनुरूप परिवेश के निर्माण, विकलांग के लिए पुनर्वास सेवाओं के लिए प्रावधान, संस्थागत सेवाओं तथा केंद्र और राज्य मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्तर पर बेरोजगारी बेरोजगारी भत्ता तथा शिकायत निवारण तंत्र जैसे सहायक सामाजिक सुरक्षा उपाय आदि बातों पर ध्यान देते हुए रोकथाम और प्रोत्साहन सहित दोनों पहलुओं से दिव्यांग के पुनर्वास पर बल दिया गया, प्रयास किया गया, बल दिया गया इसको आगे बढ़ाने के लिए। आत्मनिर्भर, पक्षाघात, मंदबुद्धि और बहुविकलांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार ने राष्ट्रीय नेशनल न्यास, यह न्यास एक संवैधानिक निकाय है जिनकी स्थापना आत्मविमोह, परमशिस्तक, पक्षाघात और मंदबुद्धि जो कम बुद्धि के शिकार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहुविकलांगता अधिनियम 1999 के अंतर्गत की गई है, 1999 के अंतर्गत की गई है। इस न्यास का मूल उद्देश्य इस तरह की निःसशक्तता की शिकार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है, अच्छा करना है, इसको अपने आप पैर में खड़ा करना है। सरकार का ये उत्तरदायित्व है। पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करता है और जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी संरक्षण नियुक्ति करने की प्रक्रिया तय करता है। उपरोक्त अधिनियम के अतिरिक्त हम इस क्षेत्र में 4 कानून बनाए हैं। ये कानून है भारत सरकार का, भारत की पुनर्वास परिषद। क्या है? भारत की पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, विकलांगजनों के लिए समान अवसर अधिकारी की रक्षा और उनकी पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, ऑटिज्म सेलेब्रम पॉलिसी और मंदबुद्धि तथा बहुआयामी विकलांगता अधिनियम 1999 और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1997, इनमें से पहले 3 अधिनियम सामाजिक न्यास और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पारित किया गया, जबकि चौथा कानून कानून स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। चौथा कल्याण परिवार मंत्रालय कल डिपार्टमेंट से क्या है? संबंधित है। और 2012 में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के अंतर्गत विकलांग मामलों संबंधी विभाग बनाया गया जो उनसे संबंधित नीतिगत मुद्दों और उन्हें लागू करने पर जोर देता है।
और 2006 की विकलांगता व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय नीति में इस बात को मान्यता दी गई है कि विकलांगता भी देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन है, उसका भी अलग एक पहचान है और ऐसा वातावरण बनाने की बात कही गई है जिससे उन्हें समान अवसर, समान अधिकार सब प्राप्त हो सके और इन्हें संविधान में शामिल किया जा सके। निहित अर्थ यह है कि इनके जरिए ऐसे समावेशी समाज के निर्माण की बात कही गई है जिसमें विकलांग को समान अवसर मिले। इस नीति में इस तथ्य को भी मान्यता दी गई है अधिकांश विकलांग व्यक्तियों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन बिता सके, इसके लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किया गया है, प्रयास हो ही रहा है। डेली नए नए उपकरण की व्यवस्था की जा रही है। इस विभाग को मुख्य रूप से यही काम सौंपा गया है कि वह विकलांगों को समाज के लिए उत्पादक सदस्यों के रूप में जीवन बिताने के लिए गौरव गरिमापूर्ण सम्मान अवसर प्रदान करे और समाज के उपयोगी सदस्य मेंबर बन सके और उन्हें शारीरिक विकास, पुनर्वास और शिक्षा तथा आर्थिक विकास के अवसर मिले। उसे शिक्षा की हर तरह शिक्षा, रहने की व्यवस्था, पानी जल सभी चीज़ का उन्हें समान अधिकार देने के लिए सरकार से गुजारिश किया गया है, एक रूल बनाया गया है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक संगठन काम कर रहे हैं। देखिएगा, हर जगह देखिएगा विकलांग स्कूल, विकलांग आश्रम, तरह तरह की व्यवस्था बना हुआ है। इसमें बहुत तरह जो सक्षम लोग हैं, जो सक्षम छु व्यक्ति किसी को दूसरे को कुछ अपने पास है तो सक्षम है तो वो भी विकलांग व्यक्तियों को अपने तरफ से जो बन सके तो उसकी सुरक्षा का सुरक्षा जीवन यापन चलाने के लिए कुछ करने के लिए उसको भरण पोषण के लिए उस विकलांग व्यक्ति को जिसके पास सब कुछ है वो भी उसमें हाथ बटाकर अपना दान पुण्य करता है, ऐसा हमें विश्वास है और होता है। इसी प्रकार से भारत की पुनर्वास परिषद आर्टिज्म सेरेबल पॉलिसी मंदबुद्धिता और विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास विभिन्न प्रकार की विकलांगों वाले व्यक्तियों के लिए समर्पित रूप से काम करने वाली 8 राष्ट्रीय संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय और जिला स्तर के केंद्र तथा 91 जिलों में स्थित विकलांग पुनर्वास केंद्र और मिले जुले क्षेत्रीय केंद्र शासित बने हुए हैं। हर एक ब्लॉक में एक विकलांग का यानी देखिएगा व्यवस्था किया गया है उसके लिए अलग से हर राज्य में, देश में, समाज में, हर जगह इसके लिए अलग अलग से व्यवस्था किया गया है। एडुकेशन में, शिक्षा में भी इसका एक कोटा होता है विकलांग व्यक्ति के लिए एडमिशन नामांकन के लिए। आप देखिए हर एक कॉलेज में शिक्षा के मामले में भी विकलांग व्यक्ति के लिए अलग व्यवस्था किया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। सरकार ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की है कि हमारा देश आगे बढ़े और इसको फायदा हो और प्रॉफिट हो, क्योंकि विकलांग व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, इसीलिए इन्हें तरह तरह की सरकार ने प्रयास किए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकलांग के कल्याण के लिए सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी कार्य कर रहे हैं। डेली नए नए उपकरण की व्यवस्था की जा रही है विकलांग व्यक्ति को इसके लिए चलने के लिए, देखिएगा गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है, साइकिल की व्यवस्था की जा रही है, बहुत तरह तरह का नए उपकरण की व्यवस्था की जा रही है। बस आज इतना ही।